Hello my dear students, I welcome you all in your mathematics class. Today we are going to discuss chapter 6, factors and multiples, part 6. First, we discuss some divisibility rules of numbers. Divisibility of 2. Digit in the ones place is 0, 2, 4, 6 or 8. That means, agar वंस प्लस पे जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 10 में वंस प्लस पे 0 है, 44 में वंस प्लस पे 4 है, 162 में वंस प्लस पे 2 है, 9856 में वंस प्लस पे 6 है एंड 14348 में वंस प्लस पे 8 है. तो ये सारे डिजिट को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 3. सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. दैट मींस अगर नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो हम पूरे नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 9630 में डिजिट का सम 18 है एंड 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है तो हम पूरे नंबर को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 4. नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4. दैट मींस अगर नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम होल नंबर को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 196 में लास्ट 2 डिजिट है 96 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं. सो हम 196 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 5. डिजिट इन द वंस प्लेस इज 0 और 5. दैट मींस अगर नंबर में वंस प्लेस पे 0 और 5 है तो हम पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 215 में वंस प्लेस पे 5 है सो हम 215 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 80 में वंस प्लस पे 0 है सो हम 80 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 8. नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8. दैट मींस अगर नंबर के लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर सकते हैं तो होल नंबर को भी हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2968 में लास्ट 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं. सो हम पूरे नंबर को भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 9. सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. दैट मींस अगर डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो पूरे नंबर को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 8556 में डिजिट का सम 27 है and 27 is divisible by 9, thus 8566 is also divisible by 9. Next, divisibility by 10. Digit in the ones place is 0. That means, agar number mein ones place pe 0 hai, to hum pure number ko 10 se divide kar sakte hai. For example, 90, 510, एंड 6,59,020 में वंस प्लस पे 0 है सो हम तीनों नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 6. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6. दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर को हम 2 से एंड 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम नंबर को 6 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 9126 में 1 प्लस पे 6 है सो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं एंड इस नंबर के डिजिट का सम 18 है सो 18 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो पूरे नंबर को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 9126 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 हैंस इट इज डिविजिबल बाय 6. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 7. To test the divisibility by 7, proceed as follows. Twice the digit at the ones place and subtract it from rest of the number.
If the number is 0 or divisible by 7, then the number is divisible by 7. That means, ones plus पे जो digit है, उसको twice करके rest number में से subtract करना है. Subtract करने के बाद जो digit मिलता है, अगर वो 7 से divisible है, तो हम whole number को भी 7 से divide कर सकते हैं. For example, 455. 455 में ones plus पे 5 है. तो उसका ट्वाइस होगा 10. 10 को हम रेस्ट नंबर 45 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर मिलता है 35. एंड 35 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर 455 इज डिविजिबल बाय 7. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट वंस प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11. दैट मींस अगर नंबर में जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उसका सम एंड इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसके सम का डिफरेंस 11 या तो फिर 0 मिलता है तो हम पूरे नंबर को भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2838 में ऑड प्लेस पे है 8 एंड इवन प्लेस पे है 2 एंड 3. सो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम मिलता है 16 एंड इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम मिलता है 5 एंड दोनों का डिफरेंस मिलता है 11. थस 2838 इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय अदर कंपोजिट नंबर्स. फर्स्ट, a number is divisible by 14 if it is divisible by both 2 and 7. That means, अगर कोई number को 2 and 7 दोनों से divide कर सकते हैं, तो number को हम 14 से भी divide कर सकते हैं. Second, a number is divisible by 15 if it is divisible by both 3 and 5. That means, अगर कोई नंबर को 3 and 5 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, तो नंबर को हम 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं. Third, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 2 and 9. That means, अगर कोई नंबर को 2 and 9 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, then हम उस नंबर को 18 से भी डिवाइड कर सकते हैं. Similarly, we can find divisibility rule for other composite number also. Now, we start activity 6. Question number 1. Using divisibility rules, check the divisibility of the following numbers. First, 7390. Divisibility by 2. 7390 has 0 at its ones place. So, it is divisible by 2. Next, divisibility by 3. The sum of digit of 7390 is 19, which is not divisible by 3. So, this number is not divisible by 3. Next, divisibility by 4. The number formed by last two digits of 7390 is 19, which is not divisible by 4. Therefore, 7390 is not divisible by 4. Next, divisibility by 5. 7390 has 0 at ones place. So, it is divisible by 5. Next, divisibility by 6. 7390 is divisible by 2 but not divisible by 3. So, it is not divisible by 6. Next, divisibility by 9. The sum of digits of 7390 is 19, which is not divisible by 9. So, 7390 is not divisible by 9. Next, divisibility by 10. 7390 has 0 at its ones place. So, it is divisible by 10. Next number,
6,28,712. This number has 2 at its ones place, so it is divisible by 2. Next, divisibility by 3. The sum of digits of 6,28,712 is 26. 26 is not divisible by 3. So, given number is not divisible by 3. Next, divisibility by 4. A number formed by last two digits of 6,28,712 is 12, which is divisible by 4. So, 6,28,712 also divisible by 4. Next, divisibility by 5. 6,28,712 has 2 at its ones place, so it cannot be divisible by 5. Next, divisibility by 6. Given number is divisible by 2 but not divisible by 3, therefore given number is not divisible by 6. Next, divisibility by 9. The sum of digits of 6,28,712 is 26. 26 is not divisible by 9. So, 6,28,712 is not divisible by 9. Next, divisibility by 10. 6,28,712 has 2 at its ones place, so it cannot be divisible by 10. Next number, 20,994. Divisibility by 2. 20,994 has 4 at its ones place, so it is divisible by 2. Next, divisibility by 3. The sum of digits of 20,994 is 24. 24 is divisible by 3, so 20,994 is divisible by 3. Next, divisibility by 4. A number formed by last two digits of 20,994 is 94. 94 is not divisible by 4, so 20,994 is not divisible by 4. Next, divisibility by 5. 20,994 has 4 at its ones place, so this number is not divisible by 5. Next, divisibility by 6. Number 20,994 is divisible by 2 and 3 both. So, 20,994 is divisible by 6. Next, divisibility by 9. The sum of digits of 20,994 is 24. 24 is not divisible by 9. So, 20,994 is not divisible by 9. Next, divisibility by 10. 20,994 has 0 at its ones place, so this number is not divisible by 10. Now, check the divisibility of remaining numbers in homework. Next, we solve question number 2. Test the divisibility of the following numbers by 8. We know that a number is divisible by 8 if number formed by last three digits is divisible by 8. A. 8,344. Number formed by last three digits of 8,344 is 344. 344 is
divisible by 8. So 8,334 is divisible by 8. Next, see. Number formed by 3 digits of 32,716 is 716. 716 is not divisible by 8. So 32,716 is not divisible by 8. Now remaining sum B and D you will do in your homework. Next, we solve question number 3. Test the divisibility of the following numbers by 11. We know that a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd places and sum of the digits at even places is either 0 or a multiple of 11. A 5,533 mein 3 and a 5 odd place pe hai and a 3 and a 5 even place pe hai. So sum of digits at odd place is 5 plus 3 is equal to 8 and sum of digits at even places is 5 plus 3 is equal to 8 and difference is equal to 8 minus 8 is equal to 0. Thus 5,533 is divisible by 11. Next, D, 1 leg 1. In 1 leg 1, 1, 0 and this 0 present at odd place. 0, second 0 and a 1 present at even place. So sum of digits at odd places is 0 plus 0 plus 1 is equal to 1 and sum of digits at even places is 1 plus 0 plus 0 is equal to 1 and the difference is equal to 1 minus 1
is equal to 0. Thus, 1,01,000 is divisible by 11. Next, remaining sums B and D you will do in your homework. Next, we solve question number 4. Test the divisibility of the given numbers. A 4,62,654 by 18. We know that 18 is equal to 2 multiplied by 9. So 4,62,654 is divisible by 18 if it is divisible by 2 and 9. First, we check divisibility by 2. Here, 4,62,654 has 4 at its ones place. So, it is divisible by 2. Next, we check divisibility by 9. The sum of the digits of 4,62,654 is equal to 4 + 6 + 2 + 6 + 5 + 4, and this is equal to 27. Is divisible by 9. So 4,62,654 is divisible by 9. Thus, is divisible by 18. Next, B 28,73,456 by 15. We know that 15 is equal to 5 multiplied by 3. So 28,73,456 is divisible by 15. If it is divisible by both 5 and 3. First, we check divisibility by 3. The sum of digits of 28,73,456 is equal to 2 + 8 + 7 + 3 + 4 + 5 + 6, and this is equal to 35. 35 is
not divisible by 3. So 28,73,456 is not divisible by 3. Thus, 28,73,456 is not divisible by 15. Here we completed activity 6 of chapter 6. Thank you, one and all.